भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। इंदौर शहर इन दिनों अवैध मादक पदार्थ का गढ़ बनता ही जा रहा है। जहां अवैध मादक पदार्थ में अभी तक सिर्फ पुरुष ही शामिल होते थे, मगर अब महिलाएं ज्यादा मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल हो रही है। पुलिस द्वारा पिछले 15 दिनों में 3 महिलाओं को लाखों रुपए की ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल इंदौर शहर देश में स्वच्छता में 7 बार नंबर 1 पर काबिज है, मगर अवैध मादक पदार्थ में भी नंबर 1 बनने की तैयारी कर रहा है। जी हम बात कर रहे हैं इंदौर शहर की, जहां अभी तक अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में सिर्फ पुरुष और नाबालिग बच्चे शामिल हुआ करते थे। वहीं अब महिलाएं ब्राउन शुगर की तस्करी में शामिल होकर इंदौर शहर का नाम रोशन कर रही है। वहीं रविवार को आजाद नगर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए एक महिला को लाखों रुपए की ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। जहां महिला द्वारा सोशल मीडिया पर नशे का सेवन करने का वीडियो लाइव किया गया। अगर पिछले 15 दिनों की बात की जाए तो 2 महिला के साथ पुरुषों को भी लाखों की अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया था। वहीं DCP विनोद मीणा का कहना है कि इंदौर शहर महिलाओं द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि पुलिस द्वारा महिलाओं के प्रति सेंसिटिविटी हाई लेवल की रहती है। न्यायालय का पालन करना होता है, जिसका फायदा उठाकर महिलाओं से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करवाई जा रही है। तस्करी में जो भी शामिल हो, महिला पुरुष और बच्चे, पुलिस द्वारा सभी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। देखिए कल हमें हमारे मुखिया द्वारा एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसके तहत उसमें एक महिला और एक पुरुष को नशे का सेवन करते हुए देखा जा रहा था। साथ ही साथ उनके द्वारा नशे का प्रचार प्रसार करते हुए भी सुना जा रहा था। उसके पश्चात हमने अपनी थाना की टीम लगाई, वीडियो में जो लोग हमें प्राइम ऑफिसर दिखे उनकी जांच पड़ताल करने हेतु। तत्पश्चात वह एक महिला और एक पुरुष के रूप में ट्रेस हुए, जो कि भील कॉलोनी मूसाखेड़ी के रहने वाले हैं। उसके पश्चात हमने महिला के घर की संपूर्ण रूप से तलाशी की गई, और तलाशी के अंदर हमें महिला के घर से 13 ग्राम के आसपास ब्राउन शुगर जब्त हुआ। और तो इस प्रकार से हमारे द्वारा थाना आजाद नगर में 8/21 का एक प्रकरण कायम किया गया। सर आप सब देखा जा रहा है कि पुरुष इसमें इन्वॉल्व लेते थे नशे के सौदागर बनकर, अब महिलाएं आगे आ रही हैं, सर इसमें क्या? देखिए निश्चित तौर पे हमारे द्वारा अभी तक काफ़ी ऐसी कार्रवाइयाँ की गई हैं जिसमें महिलाएं आरोपी निकली हैं NDPS के प्रकरणों के तहत, और ये ट्रेंड डेफिनेटली बढ़ता जा रहा है। इसके कुछ मुख्य रूप से कारण रहते हैं कि चूँकि पुलिस महिलाओं के प्रति थोड़ा हमारी सेंसिटिविटी हाई लेवल की रहती है, कि किसी भी जो भी माननीय न्यायालय के आदेश हो गए उनकी संपूर्ण रूप से पालन करना, जैसे उनकी गिरफ्तारी तयशुदा समय के अंदर ही करना। तो इस प्रकार मेरे ख्याल में इसका फायदा उठा के महिलाओं द्वारा इस प्रकार का या महिलाओं से करवाया जा रहा है। तो हमारे तो चूँकि अभी हमने नशे के प्रति हमारे इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो हम जो भी इसमें संलिप्त, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हमारे द्वारा सभी पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए अभी हाल फिलहाल में अभी मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, बट अभी हाल फिलहाल में हमारे हमने NDPS की धाराओं में 3 महिलाओं को हाल फिलहाल में बुक किया है पिछले आगामी 10-15 दिनों में, और पूर्व में भी कई ऐसी महिलाएं होंगी जिनके खिलाफ कार्रवाइयां निश्चित तौर पे की गई हैं, उनको पिट्स NDPS एक्ट के तहत निरुद्ध भी किया गया है 6 महीने के लिए। तो इस प्रकार जैसा कि मैंने बताया, आगामी दिनों में भी कोई भी नशे का व्यापार कर रहा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर महिला है, पुरुष है, बच्चा है, जो भी है, सभी को हमारे द्वारा चिन्हित कर उन पर कार्रवाई। देखिए इसमें एक पुरुष है जैसा मैंने बताया, एक महिला है, तो पुरुष अभी फरार है। महिला का ऐसा कहना है कि पुरुष महिला को लाके देता था, अभी उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने टीम रवाना कर रखी है। उसकी गिरफ्तारी के पश्चात हमको और क्लूज मिलेंगे इसमें कि भाई ये लोग कहाँ से मादक पदार्थ लेके आया करते थे। आपके गाँव, शहर, प्रदेश और देश के चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।